वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे JNU MA पॉलिटिकल साइंस 2020 क्वेश्चन पेपर। सो इस वीडियो में हम लोग दो तीन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। एक तो ये कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आया था, क्या पैटर्न रहा था। दूसरा और उससे इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर को हम लोग एनालाइज करेंगे, एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ कि क्वेश्चन का जो टाइप था वो किस तरीके से आया था, इसके अलावा ब्रॉडली किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, और उसके बाद फिर हम लोग ओवरऑल पूरे क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। तो ये तो हो गया। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो ब्रॉड ओवर बेस होता है, जितने लोग आप लोग में से ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट ईयर, सो लेट मी टेल यू, नेक्स्ट ईयर जो है आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन मई 2021 में होगा। और इस साल तो कोरोना के कारण डिले हो गया था, लेकिन अगले साल डिले नहीं होगा। तो आप लोग में से जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगले साल JNU के लिए आने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस और स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग में से ऐसे जितने स्टूडेंट हैं जो अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी दिया गया है। और ये रजिस्ट्रेशन के अलावा जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है, जहाँ पे आप जो है आके रजिस्टर करते हैं एंड विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स लाइक PDF कॉपीज ऑफ क्वेश्चन पेपर, नोट्स, मटेरियल्स, जो भी चीज़ है, किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना, विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स। सो ऑल दोज स्टूडेंट जो कि इंटरेस्टेड हैं और अगले साल आने वाले हैं, JNU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस फॉर्म को फिलअप कर दें और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो ब्रॉडली एक बार आप लोग को मैं बता दूं कि JNU का जो MA पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम होता है, ये क्या होता है। ये जो कोर्स नेम है ये है MA पॉलिटिकल साइंस, और ये स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का एक पार्ट है। ये 2 ईयर्स प्रोग्राम है, और टोटल जो इनटेक होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं, वो 96 स्टूडेंट्स होते हैं। और इसी में आपके रिजर्व कैटेगरी के भी होते हैं, अनरिजर्व कैटेगरीज भी होते हैं। तो रफली अराउंड 46%, या फिर आप बोल सकते हैं कि 46 स्टूडेंट जो अंडर रिजर्व में होते हैं। अगले साल का जो एग्ज़ाम होगा ये मई 2021 में कंडक्ट कराया जाएगा। और जो एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और इसमें सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। लास्ट ईयर जो है टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 50 थे, लेकिन इस साल टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो थे वो 100 थे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो पूरे क्वेश्चंस थे 100, और टोटल मार्क्स जो होता है वो भी 100 का होता है। दिस मीन्स कि एक क्वेश्चन पे आपको सही करने पे एक मार्क्स मिलता है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल जो टाइम ड्यूरेशन होता है एग्जामिनेशन का, ये 3 घंटे का होता है, 180 मिनट्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके पूछते हैं कि दूसरे कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने कौन से सब्जेक्ट में बैचलर्स किया है, अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप JNU में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप MA पॉलिटिकल साइंस अटेंड कर सकते हैं। तो अब आते हैं इस साल के क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों का जो कन्फ्यूजन था कि जो क्वेश्चन पेपर होता है ये बायलिंगुअल होता है या सिर्फ इंग्लिश में होता है, तो मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन पेपर होता है ये बायलिंगुअल नहीं होता है, ये क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में पूछे जाते हैं। बायलिंगुअल इन द सेंस कि इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है या नहीं होता है, तो ये सिर्फ इंग्लिश में होता है। तो अब आते हैं इस साल के क्वेश्चन पे। तो हम लोगों ने अलग अलग टाइप के पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है कि पूरे क्वेश्चन को, जो 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप उसको डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला है MCQ। MCQ मतलब, देखिए MCQ तो सारा है, लेकिन यहाँ जो हम लोग ने MCQ दिया है वो मतलब कि एक स्टेटमेंट दे दिया गया, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिया गया, तो उसको हम लोगों ने MCQ के रूप में आइडेंटिफाई किया है। और इस तरीके के टोटल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थे 53। वही मल्टीपल स्टेटमेंट्स मतलब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसके नीचे 3-4 स्टेटमेंट दे दिया गया, और जिसमें कि आपसे पूछा गया कि हाँ इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है,
और ABCD, ABC, AB, A only, इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस तरीके के मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस थे ये 25 थे। तो और लास्ट ईयर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, तो इस बार जो है बहुत सारा पैटर्न जो है वो चेंजेज आए हैं। तीसरा है मैच द फॉलोइंग, और मैच द फॉलोइंग में टोटल 12 क्वेश्चंस आए थे। और जो आप अगर मान लीजिए क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा एक जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है कि किस किस टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैच द फॉलोइंग में भी 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वो चीज़ हम लोग जब आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा ये जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन थे वो थे असर्शन रीजन। अब देखिए क्या है कि लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन असर्शन रीजन पे नहीं पूछा गया था इन फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीजन, लेकिन इस साल अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो अराउंड 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और फाइनली क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी इन द सेंस कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर सिक्वेंस ऑफ इवेंट, मान लीजिए कि आपके वर्ल्ड वॉर 2 के 4 बैटल के नाम दे दिए गए, या फिर आपके मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब रूल था इंडिया में तो 4 लॉ दे दिया गया, आपसे पूछा गया कि उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में बताइए, तो उस तरीके के भी 4 पूछे गए थे, जबकि लास्ट ईयर इस टाइप का पैटर्न नहीं पूछा गया था। तो ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को। दूसरा ये है कि हम लोगों ने उनको जो सारे 100 क्वेश्चंस थे उसको अलग अलग टॉपिक्स में वेरीफाई करने की या अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड करने की कोशिश की थी। तो एक जो जो पहला टॉपिक था जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो है इंडियन पॉलिटी। और अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा तो इंडियन पॉलिटी से ही आपके 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी अगर आप इसको परसेंटेज टर्म्स में भी देखते हैं तो 25% तो सिर्फ इंडियन पॉलिटी से पूछा गया था। वहीं अगर आप लास्ट ईयर की बात करें जब 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे तो इंडियन पॉलिटी के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो अराउंड 7 थे, और इस बार सीधे वो 25 हो गया। और इसमें बहुत वैरायटी जब क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आगे आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा था पॉलिटिकल थॉट, और पॉलिटिकल थॉट में ही हम लोगों ने अगर जो आपके बुक्स पूछे गए थे या फिलोसफिकल क्वेश्चंस थे या फिर आपके जो पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन थे, तो सबको हम लोगों ने पॉलिटिकल थॉट में ही इंक्लूड कर दिया है। तीसरा कैटेगरी था आपका कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया में मोस्टली हम लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, सेकुलरिज्म, ये सब सारे, या फेडरलिज्म, इन सब चारों को इंक्लूड किया है। मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको हम लोगों ने इधर इंक्लूड कर दिया है। अब आइए इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में 2-4 क्वेश्चंस जो है आपके IR की थ्योरीज पे भी थे, बाकी इसमें ऑर्गेनाइजेशंस थे। वहीं पॉलिटिकल थ्योरी के 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के भी क्वेश्चन थे, फॉर एग्जांपल आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे असर्शन रीजन में जिसको हम लोगों ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंक्लूड किया है, प्लस US के डॉक्ट्राइंस थे या एथनिक कन्फ्लिक्ट्स थे तो उसको भी हम लोगों ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंक्लूड किया है। वहीं कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, और इंडियन हिस्ट्री के भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये तो हो गया कि ब्रॉड टॉपिक्स की जिसपे कि क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने मेजर टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है। अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी को बात करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई थी, तो उसमें तो पॉलिटिकल थॉट्स थे, बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में मोस्टली जो जो प्रोमिनेंट था वो था कौटिल्य। फिर हैं आपके बुक्स एंड ऑथर्स पूछे गए थे, बुक्स एंड ऑथर्स पे 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बुक्स एंड ऑथर्स पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैच द फॉलोइंग था, और हर एक मैच द फॉलोइंग में 4 हो गए, तो उस तरीके से आप देखोगे तो 20 बुक्स के बारे में पूछ लिया गया था। अगेन कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स थ्योरीज एंड इट्स प्रोपोनेंट की, हाँ ये हार्टलैंड थ्योरी है या वो थ्योरी है, किसने दिया। दूसरा था पॉलिटिकल आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, और फाइनली पॉलिटिकल डिबेट्स एंड इट्स क्रिटिक्स। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोगों ने ये 5-6 आइडेंटिफाई किया है। अब आते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ कि US के वहाँ के सेनेट के बारे में कोई सवाल हो गया, या साउथ कोरिया या रसिया, तो इसको हम लोग ने वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम का नाम दे दिया है।
दूसरा है आपका ग्लोबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल जो भी यूनाइटेड नेशंस को ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन को ले लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशंस तो था ही, उसके बाद आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोगों ने जो रीजनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस थे उसको इंक्लूड किया है। ग्लोबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में उन सारे को इंक्लूड किया है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज जो हैं उनके मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए WTO हो गया या IMF हो गया, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने ग्लोबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या आपके यूनाइटेड नेशंस हो गए। IMF आपका इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है लेकिन पॉलिटिकल उसका एक इम्प्लिकेशन है, पॉलिटिकल डोमिनेंस है, तो उस चीज़ को हम लोगों ने कंसिडर किया है। अब आते हैं इंडियन पॉलिटी में। तो इंडियन पॉलिटी इस बार हम लोगों को थोड़ा सरप्राइज किया, सरप्राइज इन द सेंस कि अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इस बार जो पूछे गए थे मोस्टली इन टर्म्स ऑफ मैच द फॉलोइंग आर्टिकल्स, के आर्टिकल्स के नाम दे दिए गए, वो आर्टिकल किसके रिलेटेड है वो पूछ दिया गया, वर्किंग एंड फंक्शनिंग पार्लियामेंट का या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, फॉर एग्जांपल के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है या फंडामेंटल राइट्स है ये कहाँ से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में पूछा गया था, 21 जो आपका एजुकेशनल अमेंडमेंट है उसके बारे में पूछ दिया गया था, जुडिशल जजमेंट्स के बारे में पूछा गया था, जबकि लास्ट ईयर कोई भी जजमेंट्स के बारे में नहीं पूछा गया था। इस बार एक क्वेश्चन था कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन से जजमेंट में वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में कहा गया था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सवाल आया था, और फाइनली जो लास्ट टॉपिक था ये था कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। और कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया में जैसे डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज इन टर्म्स ऑफ की पूछ दिया गया था कि DMK कब फॉर्म हुआ या लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, सो सच वे द क्वेश्चंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट्स कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट पूछे गए थे एंड नेशनल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। तो ये तो हो गया ब्रॉड मेजर टॉपिक्स, लेकिन हम लोगों ने इसका सेपरेटली भी एक सिलेबस तैयार किया है जहाँ पे और थोड़ी सी डिटेल में हम लोग ने कोशिश की है समझने की कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया है, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करना है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा सभी को बताता हूँ कि जब भी आप पॉलिटिकल साइंस और स्पेशली जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका ओपिनियन, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका परसेप्शन तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है, लेकिन उसे कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका इन्फॉर्मेशन कितना है। क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी तो आप देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड इज मोस्टली इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेटिव एंड लेस ऑफ ए परसेप्शन। तो और हाँ, एक चीज़ जो हम लोगों ने किया है कि क्वेश्चंस को हर एक स्टूडेंट के पास जो क्वेश्चंस मिले थे वो क्वेश्चंस थे और उसके क्वेश्चन आईडी अलग अलग था। हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन आईडी के अनुसार से सारे क्वेश्चन को अरेंज किया है, तो हो सकता है आपके पास क्वेश्चन वन कोई और होगा, लेकिन क्वेश्चन आईडी वन को चेक कीजिएगा तो ये वही क्वेश्चन होगा। दूसरा जो हम लोगों ने एक चीज़ किया है कि सारे क्वेश्चंस को जो हम लोगों ने जो NTA के द्वारा NTA के अकॉर्डिंग जो आंसर की रिलीज़ किया गया था उसको यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि मैरून से हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया है। और अगर मान लीजिए आपके पास सवाल होता है कि नहीं ये आंसर गलत है, तो ये मे भी गलत हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया है कि उनको जो है जो NTA ने जो रिलीज़ किया है उसी को कंसिडर किया जाए और अपने एंड से कोई भी कंसिडर नहीं किया जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल थिंकर्स एंड देयर वर्क, तो यहाँ पे मैच कराने के लिए दे दिया गया है जहाँ पे बोला गया है कि हाँ कौन कौन से पॉलिटिकल थिंकर्स थे और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन सा है, या फिर अगर मान लीजिए जो मैंने आपको बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर, तो ये यहाँ पे दे दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, और पूछ दिया गया कि कौन कौन से जो मिसमैच है इसमें से, या फिर यहाँ पे जैसे दे दिया गया कि जो मैंने आपको बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 120 आर्टिकल 124(3)(c) बोलता है कि
जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है जज अपॉइंट कर सकते हैं, जो उनके नज़र में इज़ एलिजिबल डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हैं। पूछ दिया गया कि चार जजेस के नाम दे दिए गया और पूछा गया कि इनमें से कौन से ऐसे थे जो आर्टिकल 124(3)(c) के अधीन जो है अपॉइंट हुए थे एज ए जस्टिस ऑफ या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके भी सवाल पूछे गए थे। या फिर आप जैसे कि देखिएगा तो यहाँ पे कांग्रेस लीडर्स के नाम दे दिया गया था और उसमें पूछ दिया गया, यानी पॉलिटिकल पार्टी सेव के बारे में भी पूछा गया था। या फिर आप ये देखिए यहाँ पे दे दिया गया था कि फाउंडेशन ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट में कौन कौन से वर्ल्ड लीडर ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। या फिर बुक के नाम दे दिए गए थे और कौन पूछ दिया गया कि कौन से बुक करेक्टली मैच नहीं है। और अभी बस आप लोग देख लीजिए, आगे चलकर मैं बताऊंगा, एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा जहां पे आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से डिसीजन में ये लाया था, तो ये केशवानंद भारती केस है। तो इस तरीके से अलग अलग, या फिर जो आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया था वो कौन सा जज केस है, तो उसको उसके लेकर भी ये था। जबकि आप ये देखिएगा तो ये फोर्थ जज केस शायद नहीं होगा, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। या फिर आपसे सवाल पूछ दिया गया था कि विच वॉज द लास्ट स्टेट विच वॉज रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, इंडियन पॉलिटी को लेकर हो या फिर कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को लेकर हो या कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया को लेकर हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। या फिर ऑर्डिनेंस का ड्यूरेशन पूछ दिया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छे सवाल आए थे। और मैं ये बोलूँगा कि आप लोग में से जितने लोग अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ टेक केयर ऑफ इंडियन पॉलिटी। देखिए एटलीस्ट ये होगा कि शायद इंडियन पॉलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है अगले साल कम हो जाए, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब मैं डिस्कस करूँगा एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड एमए पॉलिटिक्स स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम इंडियन पॉलिटी इज क्वाइट हाई। क्वाइट हाई इन द सेंस कि अगर आप तीनों सब्जेक्ट को मिला देते हैं तो आउट ऑफ 300 क्वेश्चंस, मतलब तीनों इन द सेंस के पॉलिटिकल साइंस आईआर एंड एमए पॉलिटिक्स, तो 300 क्वेश्चंस में अराउंड 60 क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। तो इसलिए इंडियन पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है। और अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये तो मैं बस ऐसे ही एक बार शेयर कर रहा हूँ। आगे चलकर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कशन इन द टर्म्स ऑफ कि हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करेंगे, हर एक क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने की कि किस तरीके से सवाल पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चंस को कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे। और जो ऑनलाइन क्लासेस होगी या स्टडी मटेरियल जो होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन के बेसिस पे पूरा कंप्लीटली डिटेल्स हो, सो दैट कि एक भी टॉपिक ऐसा ना हो कि हम लोगों ने कवर अप नहीं किया हो। जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी ट्रेडिशन इज ऑल्सो नोन एज, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ दिए गए थे। थिंकर्स एंड कॉन्सेप्ट मैच द फॉलोइंग में, या फिर आपसे पूछ दिया गया कि ऑथर्स एंड देयर बुक्स, या फिर आप ये देखिएगा कि इंडिया इज़ फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एट द ग्लोबल लेवल एंड फॉर ए क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस एट द रीजनल लेवल। तो ये इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान बोला गया है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, तो रीजन इंडियाज न्यूक्लियर फॉरवर्ड पॉलिसी है डुअल ऑब्जेक्टिव। तो एक तो हम ये सवाल ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, वी नीड टू गिव अवे आवर न्यूक्लियर वेपन्स, बट देन एज अ रीजनल लेवल हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं मिनिमम डिटरेंस होना चाहिए। डिटरेंस इन द सेंस कि इफ़ यू हैव न्यूक्लियर वेपन्स इट्स लेस ऑफ योर इंटेंशन टू अटैक समवन, बट यस इट्स मोर ऑफ एक सिग्नलिंग कि अगर मान लीजिए अटैक आता है देन यू आर गोइंग टू यूज़ योर न्यूक्लियर वेपन। सो वो चीज़ें हो जाती है, तो इसी के बारे में सवाल था, अच्छा सवाल है। जैसे मैंने बोला था कि क्रोनोलॉजिकल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो अब यहाँ देखिएगा पूछ दिया गया कि
क्वेश्चंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, या यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे आपके ट्रैवल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर यहाँ पे भी सवाल है जहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करना है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को कवर अप करना है। और क्वेश्चन देखने के बाद जो हम लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग था, जो एनालिसिस था, कि कट ऑफ जो है ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। हाँ, ये है कि क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे, तो वो थोड़ा सा इन्फ्लेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अबव 76 जनरल कैटेगरी के लिए नहीं जाएगा। तो होपफुली ये सारे क्वेश्चंस थे। आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को, और आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है तो आप लोग जो है एग्ज़ाम ट्रेजरी को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो है हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है 9910943608, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या दूसरा नंबर है 8448878849, इस पे भी आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इसको अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो ये होगा कि विल गाइड यू, विल ट्राई टू सजेस्ट यू हाउ टू प्रिपेयर, कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, और जो हम लोगों के पास जो रीडिंग मटेरियल्स हैं, जो पीडीएफ कॉपीज ऑफ बुक्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। एंड विल ट्राई टू इंश्योर दैट यस यू गेट इन टू JNU नेक्स्ट ईयर। और हम लोग अपने एंड से भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपने एंड से भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से पूरा सिलेबस कवरअप किया जाए, इस तरीके से पहले सिलेबस क्रिएट किया जाए कि आपको सारी चीज़ों का एक हर एक टॉपिक वाइज आप कवरअप कर लें। और उसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग को बता दूं कि MA इंटरनेशनल रिलेशन, MA ज्योग्राफी, MA पॉलिटिक्स, MA सोशोलॉजी, MA हिस्ट्री, सारे चीज़ों का हम लोग सेपरेटली वीडियो लेकर आएंगे, इसी तरीके से एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा आपके पास कोई और सवाल है तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑन यू यूट्यूब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।